लवली व्यूअर्स, आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, होप यू आर ऑल वेल। और मैंने कल पकौड़ों की रेसिपी अपलोड की थी, आज मैं आपको उसके साथ ग्रीन चटनी जो अकम्पनीमेंट है उसकी उसकी रेसिपी दूंगा। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो अब ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आई हैव गॉट अबाउट 3 बंचेस ऑफ मिंट लीव्स एंड 2 बंचेस ऑफ कोरिएंडर लीव्स। ठीक है, तो पुदीना हमेशा हमने ज़्यादा रखना है और हरा धनिया कम रखना है। रेशियो उसका यही होता है कि 60-40 का रेशियो पुदीना टू हरा धनिया। ठीक है, तो ऑलवेज मिंट लीव्स मोर एंड लेस कोरिएंडर। ठीक है, और इधर मेरे पास गार्लिक है, गार्लिक क्लोव्स पील्ड, इमली की चटनी है, इसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों को दूंगा बाद में। ये मैंने 5 टेबलस्पून इमली की चटनी इसमें रखी हुई है। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चिलीज हैं और ये मेरे पास 1 टीस्पून शुगर है इधर, और यहाँ पे मेरे पास सीडलेस लाइम है 2, मैंने इनको काट के रख लिया है। और मसालों के अंदर क्यूमिन पाउडर है मेरे पास, इसको मैंने अभी फ्रेशली इसको बनाया है, और सॉल्ट ऑफ कोर्स। ठीक है, और पानी हम डालेंगे जितनी हमको ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इसके अंदर मिंट लीव्स और कोरिएंडर हम डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके बनाएं इसको प्लीज़, बिकॉज ये फंस जाता है इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट देन टू डू इट अगेन, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि बस इतना हम लोग इसको अभी बनाते हैं, मैं फिर इसका सेकेंड बैच बना दूंगा बाद में। ठीक है, तो अब उसी के हिसाब से हम इसमें डाल देते हैं कुछ क्लोव्स, और ये मैंने इसमें चटनी डाल दी है थोड़ी सी, स्क्वीज ऑफ 2 लेमन्स। अब ये सीडलेस लाइम्स की अच्छी बात ये है कि ये इसमें सीड्स नहीं होते, तो यू कैन डायरेक्टली स्क्वीज दिस इनसाइड। ठीक है, और ये इतनी हेल्दी चीज़ है ये चटनी, क्योंकि इसके अंदर आप जितना गार्लिक डाल रहे हैं ये इतनी अच्छी चीज़ है आपकी हेल्थ के लिए। तो और वैसे भी मिंट लीव्स और कोरिएंडर के अंदर भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में ज़रूर गूगल कीजिएगा, बोथ आर वेरी गुड हर्ब्स, ये आपके जिस्म के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, और हम लोग इसके अंदर कुछ ग्रीन चिलीज डाल देते हैं। ग्रीन चिलीज बाय द वे हाईएस्ट विटामिन सी कंटेंट ग्रीन चिलीज के अंदर होता है, जस्ट सो यू नो। ठीक है ना, और हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेशली ग्राउंडेड क्यूमिन पाउडर, अबाउट 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, और मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ी सी सॉल्ट, एंड नाउ वील ऐड अ बिट ऑफ वाटर। ठीक है, और अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। ठीक है, पानी कम डालें, बिकॉज अगर पानी आप ज़्यादा डालेंगे इसको क्विकली ब्लेंड करने के लिए तो इसका जो कंसिस्टेंसी वो बिल्कुल थिन हो जाएगी, तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन नो इश्यूज़, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके करें, हो जाएगा ब्लेंड ये, और कम से कम पानी में हमने इसको ब्लेंड करना है। ठीक है जी, तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँ, फिर मैं आई विल कम बैक टू यू। तो देखें, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता, देखें नीचे आप देख रहे हैं बॉटम के अंदर ये थोड़ा होना शुरू हो गया, मैंने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया इसके अंदर। And this is very important, जिसकी जो thickness है वो होनी चाहिए। देखा आपने, तो अभी आपने देखा कि thickness इसकी हो गई है, बल्कि अभी चूंकि जगह है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे कि बाकी कभी इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये सारा mint leaves और coriander मैंने इसमें डाल दिया। तो बिकॉज दिस इज कॉल्ड पुदीने की चटनी, इसीलिए पुदीना इसमें ज़्यादा है, और अब इसके अंदर हम लोग वो बाकी का भी लाइम डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये देखें, ये मैंने 2 लाइम्स इसमें स्क्वीज कर दिए, ये हरी मिर्च चली गई, ये इमली की चटनी चली गई इसके अंदर,
ये बाकी के क्लोव्स गार्लिक के हमने डाल दिए इसके अंदर, और ये थोड़ी सी जो शुगर रह गई थी ये भी हमने डाल दी इसके अंदर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और इसमें क्यूमिन पाउडर ऐड करूँगा, हाफ अ टी स्पून, एंड जस्ट अ लिटिल बिट मोर सॉल्ट। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और अब इसको हम ब्लेंड करते हैं। देखें ये अब चटनी जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड हो रही है। अब इसको मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देता हूँ। और ये हमारी चटनी तैयार हो गई है जी, ठीक है। और मैं आपको अब इसको जार में डाल के दिखा देता हूँ आपको। लवली, ये देखें ब्यूटीफुल चटनी इज रेडी। इसका कलर और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी थिक है जो है ना, बिल्कुल पतली नहीं है। मेरा रोज़ा है इसलिए मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन बाद में मैं इफ्तार रोज़ा खोलने के बाद इसको टेस्ट करूँगा। अगर कोई चीज़ इसमें कम ज़्यादा हुई तो उसको मैं एडजस्ट कर दूँगा। तो आप लोग इसको प्लीज़ ट्राई करें, और ख़ास तौर पे जो सॉल्टेड स्टफ़ है उसके साथ ये खाएं, और इवन इन द ब्रेकफास्ट अगर आप ये खाएंगे तो इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू। तो इसको चटनी को हमेशा बना के फ्रिज में रखा करें। तो मैंने ये अब जार तैयार कर लिया, दिस विल लास्ट मी फॉर एटलीस्ट अ वीक, सो दिस इज़ गुड। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, एंड आई विल कम बैक टू यू विद अनदर ग्रेट रेसिपी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सलमान द फूडी चैनल, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू गाइज अगेन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।